पीएम मोदी ने हावड़ा में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां मिल रहे प्यार और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। दिल्ली के सीएम ने देश की जनता के लिए अपनी 10 गारंटियों का ऐलान किया। इसी के साथ उन्होंने इस बात की भी गारंटी दी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इन सभी गारंटियों को पूरा करवाना उनकी गारंटी है। उच्चतम न्यायालय सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। मौजूदा हालात में नोटा को प्रतीकात्मक करार देते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि किसी सीट पर नोटा को 50% से ज्यादा वोट मिलने के बाद ही मतदान के इस विकल्प को चुनाव परिणाम पर कानूनी रूप से असरदार बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के एक वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के किनारी बाजार में स्थित एक दुकान में आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड में 5 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर लोकसभा चुनाव न लड़ने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनावी शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में महिलाओं के लिए लाए 33% आरक्षण का लाभ मिल सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक में चालू वित्त वर्ष में शामिल होने वाले करीब 12,000 नए लोगों में से 85% इंजीनियरिंग स्नातक हैं। दिल्ली आयात पुलिस ने कहा कि 2024 के पहले 4 महीनों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र उल्लंघन के कुल 1,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम।